हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका सभी ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल में डोर लॉक कैसे लगाएं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही हमारे आने वाले नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी का आइकोन आएगा उसको भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अपने मोबाइल में डोर लॉक कैसे लगाएं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल का नेट को ऑन कर लेना है और उसके बाद आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको प्ले स्टोर के सर्च बार पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां पर टाइप करना है डोर लॉक। और डोर लॉक टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। तो जैसे डोर लॉक टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पर डोर लॉक का स्क्रीन वाला ऐप मिल जाएगा। तो आपको इस ऐप पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इस ऐप को अपने मोबाइल में पहले से इंस्टॉल कर लिया हूँ। तो जब आप भी अपने मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर लीजिए और उसके बाद इस तरह से ओपन होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इस ऐप को नोटिफिकेशन एक्सेस का परमिशन मांगेगा। तो नोटिफिकेशन एक्सेस का परमिशन को अलाउ करना है। तो जो भी परमिशन ये ऐप मांगता है आप उसको कर दीजिए तभी यह ऐप अच्छे से काम करेगा। मेरे में ये ऐप नोटिफिकेशन एक्सेस का परमिशन मांग रहा है। तो देखिए यहाँ डोर लॉक का स्क्रीन और इसके सामने टिक का आइकॉन, तो मैं इस टिक के आइकॉन पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद नीचे साइड कोने में ओके का ऑप्शन है तो मैं यहाँ ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपको बैक हो जाना है और उसके बाद आपको यहाँ गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पर कई सारा सेटिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे डोर थीम, डोर साउंड रखना चाहते हैं या नहीं, और भी कई सारा सेटिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जितना आपको सेटिंग करना है कर लीजिए या नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते। और अगर जो डोर लॉक पर आप पासवर्ड भी लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड लगा सकते हैं या डोर लॉक पर पासवर्ड नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो मुझे डोर लॉक पर पासवर्ड भी लगाना है इसलिए मैं पासवर्ड भी लगा लेता हूं। तो उसके लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर करना है और उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है इनेबल पासवर्ड का और इसके सामने में एक बॉक्स मिल जाता है चरखुट सा। तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं डोर लॉक पर वो डाल के आप यहां सेट कर लीजिए। तो मुझे सेट करना है 1122, तो मैं डाल दिया 1122 और वही वाला पासवर्ड डाल के फिर आप कंफर्म करिए। तो मैं फिर से वही वाला डाल देता हूँ 1122। तो जैसे ही इतना कर देंगे उसके बाद आपके मोबाइल में डोर लॉक लग जाएगा। जैसे अब मेरे मोबाइल में डोर लॉक लग गया, अब मैं अपने मोबाइल को लॉक करता हूँ तो सुन सकते हैं जैसे मैं अपने मोबाइल को लॉक किया है तो यहाँ पर डोर लॉक वाला साउंड सुनाई दिया। अब मैं अपने मोबाइल को अनलॉक करने के लिए पावर बटन दबा के स्क्रीन को ऑन किया और उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप किया तो यहाँ पर मुझे मोबाइल वाला लॉक मांग रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल में मोबाइल वाला भी लॉक लगा हुआ है। तो मुझे पहले मोबाइल वाला लॉक खोलना होगा। आप चाहे तो इस लॉक को हटा भी सकते हैं मोबाइल वाला लॉक को। तो मेरे में लगा हुआ है तो मैं पहले मोबाइल वाला लॉक को ओपन यहाँ कर लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर डोर लॉक लग चुका है, डोर लॉक यहाँ ओपन करने का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको डोर लॉक को खोलना कैसे मैं आपको बताता हूँ। आपको बीच में उंगली रखना है और आपको लेफ्ट या राइट की तरफ आपको स्वाइप कर देना है, लेकिन आपको धीरे धीरे नहीं करना है नहीं तो खोलने का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, देख लीजिए धीरे धीरे करता हूँ तो धीरे धीरे किया तो मुझे यहाँ लॉक खोलने का ऑप्शन नहीं आया। तो आपको कैसे खोलना है, आपको बीच में उंगली रखना है और डायरेक्ट आपको एकदम झटके में डायरेक्ट आपको जोर से घसीट देना है। तो मैं बीच में उंगली रख चुका हूँ और डायरेक्ट मैं झटके में जोर से घसीट देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मुझे पासवर्ड यहाँ पर डालने का ऑप्शन आ गया, अब मैं लॉक को खोल सकता हूँ। तो जो भी आप पासवर्ड सेट किए थे डोर लॉक पर वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं सेट किया था 1122, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 1122। तो देख लीजिए जैसे मैं पासवर्ड डाला डोर लॉक पर 1122 तो मेरे मोबाइल का डोर लॉक ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने मोबाइल पर डोर लॉक लगा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए।